हेलो फ्रेंड, बना रहे हैं यूनिक सा रेसिपी। हमारा सोया बड़ी है, ये 100 ग्राम से 150 ग्राम के आसपास है। इसे मैंने उबाल लिया है, पूरा सॉफ्ट बनाना है। इसका हल्का सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट ताकि टूट जाए। तो उसमें मैंने बेसन पिसा हुआ दिया है, मैं भुका हुआ नहीं, यानी पीस करके हैंडमेड दियो बेसन। उसके बाद मैंने डाला प्याज, लहसुन, थोड़ा सा धनिया और लहसुन जो मैंने पीस के रखा था, मिर्ची, सारा मसाला जो बेसिक सा मसाले होते हैं घर में यूजली रेगुलर यूज़ करने के लिए, बस मैंने वही मसाला दिया है और नमक दिया। फिर उसके बाद हल्दी। अब इसको मैं पूरा मिक्स कर ली हूँ, देखिए आप देख सकते हैं मैं पूरा मिक्स कर चुकी हूँ। तो इधर हमारा तेल गर्म होने को दे रही हूँ, तो अभी गर्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो हल्का गर्म हो चुका है। इसमें मैं पकौड़ी को अच्छे तरीके से मैं पकाऊंगी। तो देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ही तेल मैंने डाला था, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके तलना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और हाँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो तभी दें, नहीं तो ये चिपक जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने सोया भरी मिक्स किया है। तो आप देख सकते हैं उसको मैंने उलट पलट के पलटा दिया, तो ये पका लिया है। अब फिर से मैं दोबारा दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं दोबारा जब मैंने दिया ना, तो थोड़ा तेल कम पड़ गया था। दोबारा मैंने फिर सरसों तेल को डाला, फिर थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद मैंने ये पकौड़ी को डाल दिया। ये सोया बड़ी का पकौड़ी है, आप शायद खाए नहीं होंगे, तो आप इस तरीके से बनाए तो पूरा मीट जो होता है ना, तो उस तरीके से, उस तरह का लगता है। बस उसी तरह मसाला आप डालिए और बनाइए। तो देख सकते हैं एक साइड हमारा पक गया था, दूसरी साइड में पका रही हूँ पलटा करके। तो एक साइड मेरा अच्छे से पक गया था, तो दूसरी साइड में पका रही हूँ, आप देख सकते हैं इसी तरह पकाना है फ्रेंड्स। और थोड़ा कम ही आँच देना है, ये नहीं कि पूरा हाई फ्लेम पर पकाना है, पूरा मीडियम टू लो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं ना कम, ज़्यादा कम बस। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पकौड़ी ये भी पक करके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे भी पका करके निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा पकौड़ी बन गया है, ये सोया बड़ी का पकौड़ी है। इधर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, जो मैंने पकौड़ी बनाया था उसी में से रखा था। तो वही धनिया था, जीरा, मरीच और मिर्ची, लहसुन और एक ठो प्याज मैंने पिसा था, वो मसाले था फ्रेंड्स। बेसन के साथ मैंने मिक्स कर लिया, नमक डाल दिया टेस्ट अकॉर्डिंग और कलर अकॉर्डिंग हल्दी। तो उसके बाद मैंने इधर वही तेल में, जो तेल पकौड़ी छान के बचा था, उसी में मैंने डाला प्याज और थोड़ी हरी मिर्च। उसके बाद ये हमारा मसाला है, तो आप मसाला को देख सकते हैं, भून रही हूँ मैं पहले इसे, अच्छे से भून लेती हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, हल्का पक रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो भुना गया है, क्योंकि ज़्यादा मैंने तेल नहीं डाला था, तो इस वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा उतना। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने अच्छे से भुनने के बाद पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इधर हमारा उबाल लगा लिया, 1 से 2 उबाल आ चुका है फ्रेंड्स। तो उसमें मैं फ्लोरी को डाल देती हूँ, और आप देख सकते हैं उसके बाद 2 से 3 मिनट पकाना है। अगर मेरा रेसिपी पसंद है प्लीज़